किचन बाय विनी में आज बन रहे हैं बहुत ही टेस्टी पराठे। ये जैसे दिख रहे हैं ना, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। इसके लिए हम लेंगे खोवा, और खोवा मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाज़ार का ख़रीदा हुआ खोवा नहीं है। ये जो रोज का दूध होता है, दूध में जो रोज की मलाई पड़ती है और मलाई का जो हम घी बनाते हैं, घी छानने के बाद में जो उसका लास्ट का वेस्टेज निकलता है उसको हम यहाँ पे खोवा कह रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे आटा, और आटे को जैसे हम सादे रोटी पराठे बनाते हैं ठीक उसी तरह से एक आटे का डो तैयार कर लेंगे। और अभी हमने ये खोवा लिया है, ये लिया है करीब एक कप। घी में से जब ये खोवा निकलता है तो ये थोड़ा दानेदार होता है, इसलिए हम इसे पहले मिक्सी के जार में अच्छे से चर्न कर लेंगे, यानी ये अच्छा चिकना हो जाएगा, तब हम इसको उपयोग में लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 स्पून काली मिर्ची, 1/2 चम्मच के करीब नमक, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, बट 1/2 चम्मच इसमें लग जाएगा, और 2 से 3 एकदम बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्ची, जितनी ज़्यादा बारीक आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है रोस्टेड खरबूजे की बीजी, आप चाहें तो ये बीजी डालें, आप चाहें तो स्किप कर दें। और साथ में लिया है 1 कप भरकर बारीक चॉप करके हरी धनिया, इसको एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ऐसा, और खाने में भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा, फ्लेवर देगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो डो हमने लगाया था उसको अच्छे से मसल कर इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। लोई तोड़ने के बाद में आप इसके पेड़े बनाइए, और जैसे कि हम रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह हम ये पराठे के लिए बेलेंगे। आप चाहें तो शेप बदल सकते हैं, यहाँ मैंने गोल रोटी की तरह पहले इसको बेला है, और फिर इसके बाद में जो स्टफिंग हमने खोवे की तैयार करी है उस स्टफिंग को हमने इसमें भरा है। तो इसको कैसे भरेंगे, जो हमने रोटी बेली है उसकी हाफ साइड में बस इस स्टफिंग को लगाएंगे, और बाकी जो हाफ साइड खाली है उसको इसके ऊपर पलट देंगे और एंड्स को उंगली से प्रेस कर देंगे जिससे कि मसाला बाहर नहीं निकले। तवा ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, आप इसमें करीब 1/2 चम्मच घी डालिए, और साथ में डालिए तिली, कुछ थोड़ी सी 15-20 दाने, इससे देखने में लुक अच्छा लगेगा, और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे ठीक ऐसे ही पराठे के साथ सेकें जैसे कि आप नॉर्मल पराठे सेकते हैं या कोई स्टफ वाले पराठे सेकते हैं, ठीक उसी तरह आप इन पराठों को भी सेक लीजिए। जैसे ये हमने यहाँ इसको सेका, साइड में जगह थी, तो अब हम चाहें तो इस पर ये दूसरा पराठा भी रख सकते हैं, इसको भी यहाँ सेक सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आप पराठे को जब तवे पे डालें तो तवा ग्रीस करा हुआ हो जिससे कि आटा चिपके नहीं और खोवा बाहर नहीं निकले, और जब आप पराठे को पलटेंगे तब भी उसके ऊपर पहले 1/2 चम्मच घी डालें और फिर पलटें। ये खोलने पर देखिए इसके अंदर जो खोवा है वो बहुत अच्छे से सिक चुका है, और जब ये पराठा सिक कर अच्छे से तैयार हो जाएगा तब आप इसे सर्व करिए, चाहे तो कढ़ी के साथ, सब्जी के साथ, या फिर चटनी के साथ, जो भी आपके घर में बना है, आप किसी के भी साथ इसके टेस्ट का मज़ा लीजिए। ये स्टफिंग ऐसी है कि जब घर में आपके पास कुछ भी ना हो कि आज क्या है स्पेशल पराठा बनाए, तब ये आपको खोवा बहुत काम देगा, और ये एकदम फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो यदि आपको किचन बाय विनी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर करिएगा।